हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है कंपनी कमांडर, इंस्ट्रक्टर, स्टोर ऑफिसर और सेंट्रल कमांडर की वैकेंसीज निकाली गई है। और ये वैकेंसी जो है होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट में है। टोटल वैकेंसी आपकी 4 है, 4 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है कंपनी कमांडर, इंस्ट्रक्टर, स्टोर ऑफिसर, सेंट्रल कमांडर की, जिसमें से 2 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व है। शेड्यूल कास्ट ऑफ एचपी के लिए 1 वैकेंसी रिजर्व है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ एचपी के लिए 1 वैकेंसी रिजर्व रखी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो यहाँ रखी गई है 10+2 पास होने चाहिए। आप किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और आपने जो है मैट्रिक या फिर प्लस टू जो है वो हिमाचल के किसी स्कूल से की होनी चाहिए। साथ ही साथ आप जो है रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, आर्मी फोर्स पर्सन होने चाहिए, जो सूबेदार, मास्टर सैप, पैटी ऑफिसर सेकेंड क्लास और वारंट ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी फोर्स, इससे आपके पास ये जो एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर आप होल्डिंग ऑनरी रैंक ऑफ कंपनी कमांडर विद कंबाइंड सर्विस ऑफ 5 इन द ऑनरी रैंक ऑफ प्लेटून कमांडर, सीनियर प्लेटून कमांडर एंड कंपनी कमांडर इन द होम गार्ड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आपके पास ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर शुड बी रेगुलर सिविल डिफेंस इंस्ट्रक्टर होने चाहिए, चीफ इंस्ट्रक्टर, प्लेटून कमांडर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर, हु हैव सर्व सच एज 3 ईयर इन द एसपी होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट। ये वैकेंसी जो है रिजर्व है, और ये वैकेंसी जो है डिफेंस पर्सनल या फिर होम गार्ड पर्सन या सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट में अगर आपने वर्क किया है रेलिवेंट डिसिप्लिन पे, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो यहाँ पर आपकी एज लिमिट रखी गई है 18 ईयर्स की आप मिनिमम होने चाहिए, 45 ईयर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ रखी गई है। 5 ईयर की आपको एज रिलैक्सेशन है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, जैसे SC ST OBC PWBD या फिर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन फ्रीडम फाइटर ऑफ हिमाचल प्रदेश से, तब आप इस एप्लीकेशन के लिए 50 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। 5 ईयर की आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड की गई है। जो एग्जामिनेशन फीस यहाँ रखी गई है, अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं जनरल फिजिकल डिसेबल कैटेगरी से, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से, जो बीपीएल के अंडर नहीं आते हैं, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर या सर्विस मैन जनरल कैटेगरी से, तब आपको 400 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फीस है। अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, चाहे आप रिजर्व कैटेगरी से क्यों ना हो, आपको 400 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस यहाँ पे करनी है। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं रिजर्व कैटेगरी से हिमाचल प्रदेश में, SC ST OBC EWS जो EWS या फिर अनरिजर्व BPL कैटेगरी से, तब आपको 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस के रूप में पे करनी है। अगर आप एक्स सर्विस में कैंडिडेट हैं जो इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तब भी आपको 100 रुपीज़ यहाँ एप्लीकेशन फीस के रूप में पे करनी है। अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं जिन्होंने अपना नॉर्मल टेन्योर कंप्लीट किया है और आप ब्लाइंड PWBD कैंडिडेट्स हैं, जैसे ब्लाइंड या विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स हैं, तब आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस यहाँ पे नहीं करनी है। फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए किसी भी तरह की कोई यहाँ पर एप्लीकेशन फीस यहाँ नहीं रखी गई है। एप्लीकेशन फीस जो है वो आप ऑनलाइन मोड से भी पे कर सकते हैं और ऑफलाइन मोड से भी चलान के थ्रू भी पे कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया, वहाँ जाके आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर लेंगे। इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो है आपकी 27 जनवरी। 27 जनवरी तक आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।